गुड मॉर्निंग बच्चों, अब आप अपनी किताब खोल लीजिए। कल हमने हिंदी का पहला पाठ मन के भोले भाले बादल ये पढ़ा था, जो हमारी कविता थी। अब हम आपको हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। आप अपनी किताब खोल लीजिए और चैप्टर देखिए। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। यानी बादशाह अकबर के दरबार में बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन उन मंत्रियों में बीरबल का सबसे अधिक नाम था। वो उनको बहुत पसंद करते थे और बीरबल की बुद्धि मीन्स बीरबल के दिमाग, उसके आगे जो अच्छे होशियार लोग भी थे उनकी भी कुछ भी बात नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। जलते मीन्स चिढ़ते थे। इसी कारण से जो बीरबल के दरबार और अकबर के दरबार में कुछ लोग थे, वो बीरबल से आपस में जलते थे, यानी चिढ़ा करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे कि वो सोचते थे कि बीरबल को किसी तरह से भी मुसीबत में फंसाया जाए। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। यानी एक खास दरबारी था उनका, जिसका नाम था ख्वाजा सरा। उसे अपनी विद्या यानी अपनी पढ़ाई पर और अपनी बुद्धिमानी पर बहुत ही अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा मीन्स बिल्कुल छोटा सा बालक और मूर्ख। मूर्ख मीन्स पागल। यानी वो बीरबल को अपने सामने छोटा सा बच्चा और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। तूती मीन्स किसी का बोलबाला जिसे कहते हैं, यानी जिसकी आवाज़ जिसकी भी ज़्यादा वहाँ चलती है, इसलिए जो एक मशहूर हो जाता है उसको कहते हैं कि उनके दरबार में अपने मानने से कुछ नहीं होता और दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी, यानी बीरबल की ही बात चलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में। नक्कार मीन्स जहाँ एक छोटी झूठी बात होती है उसमें एक तूती की आवाज़, जैसे छोटी सी एक तोती होती है उसकी आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? अगर ख्वाजा साहब की थोड़ी सी भी बात चलती तो वो बीरबल को उस दरबार से या हिंदुस्तान से पूरे ही मतलब इस देश से ही निकलवा देते, लेकिन वो निकलवाते कैसे? क्यों? क्योंकि उनकी कुछ चलती नहीं थी। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख मीन्स जो एक पागल होता है, ना समझ होता है, ऐसा साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ कठिन से कठिन प्रश्न अपने दिमाग में उन्होंने सोच लिए और उन्हें पूरा विश्वास था कि बादशाह
जब उन प्रश्नों को बीरबल से पूछेंगे तो बीरबल उनके प्रश्न छक्के छूट जाएंगे, मीन्स बीरबल घबरा जाएंगे, और लाख कोशिश करने पर भी संतोषजनक मीन्स संतुष्टि लायक, जिससे हमें संतुष्टि ना हो, ऐसा उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह अपने आप मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है, यानी ख्वाजा सरा ही सब कुछ है। ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर खुजाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। ख्वाजा साहब जो ख्वाजा साहब थे वो अचकन पगड़ी पहनकर, अचकन मीन्स जो उनका लंबा सा कुर्ता होता है, और सिर पर पगड़ी पहनकर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और फिर अपने सिर को खुजाते हुए यानी सिर में हाथ सा फेरते हुए बोले कि बीरबल अपने आप में बड़ा बुद्धिमान यानी चतुर बनता है, होशियार बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातें, लंबी चौड़ी मीन्स जो भी वो बातें बनाते हैं, ज़्यादा बातें बनाते हैं, तो उनकी बातों के धोखे में आ जाते हैं, यानी उनकी बातों में ही आप आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर, कि यानी मैं आपको 3 सवाल देता हूँ और आप अपने मेरे वाले 3 सवाल पूछकर उसके दिमाग की गहराई यानी उसकी बुद्धिमानी को परख लें, नाप लें मीन्स परख लें। उस नकली अकल बहादुर यानी जो वो अपने आप में ज़्यादा बनता है, यानी अकल बहादुर कहते हैं कि दिमागी, उस दिमागी या दिमागदार की कलाई खुल जाएगी, यानी कलाई खुलना मतलब पोल खुल जाना, कि अब उस दिमागदार की भी पोल खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? अनुरोध करना मीन्स विनती करना, कि ख्वाजा के विनती करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा कि बीरबल तुम परम ज्ञानी हो यानी तुम बहुत ही ज्ञानवान हो, ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो क्या तुम उनके 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो? आज के लिए इतना ही। अब आप इन्हें जितना मैंने पढ़ाया है उसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे और इनको समझेंगे, ठीक है? धन्यवाद।